हेलो गाइस, कैसे हो। मेरा नाम है चेतन, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गेम को कैसे हाइड करें। हाँ गाइस, आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में गेम्स को छुपाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने छुपा के रखा है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे मोबाइल फ़ोन में कोई भी गेम है वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने हाइड करके रखा है, छुपा के रखा है। कहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं डायल पैड ओपन करता हूँ, डायल पैड में मैंने छुपा के रखा है यहाँ पर। यहाँ पर ओपन करने के बाद में जो भी मैंने यहाँ पर कोड बनाया है, पासवर्ड बनाया है, वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हैस। इसके बाद में मैंने डाल दिया। डालने के बाद में जैसे ही मैं हैस डालूंगा, यहाँ पर देखना मैंने जितने भी गेम्स हो छुपा के रखी है, हाइड करके रखी है, वो यहाँ पर आ जाती है। दोस्तों आप कोई भी गेम्स या कोई भी ऐप छुपा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आज के वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे छुपाया, किस तरीके से आप लोग भी यहाँ पर गेम्स या कोई भी ऐप्स कैसे हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो गाइस, आपको गेम्स को हाइड करने के लिए, गेम्स को छुपाने के लिए, आपको सबसे पहले तो गाइस आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन करना पड़ेगा सेटिंग्स। ओके, सभी के मोबाइल में सेटिंग्स होता है, तो आपको सेटिंग्स है वो यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। तो चलो गाइस, यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग्स है वो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में इसके अंदर आपको क्या सेटिंग करनी है वो आपको अच्छे से समझाता हूँ। आपका सेटिंग थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन गाइस आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, सेटिंग्स ओपन करने के बाद में ऊपर जो है सर्च का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा कहीं भी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, क्लिक कर देंगे एंड गाइस सर्च वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर सर्च करेंगे हाइड ऐप्स। ओके, यहाँ पर आपको लिखना है हाइड, यहाँ पर आपको लिखना है ऐप्स। ओके, इस तरीके से आप सर्च कर देंगे, हाइड ऐप्स लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सर्च के ऊपर आपको टैप करना रहेगा। इसके बाद में गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन शो करेगा, आपको थोड़ी देर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद में ये वाला ऑप्शन आ जाएगा हाइड ऐप्स करके, कहीं भी आएगा। तो आप क्या करेंगे, हाइड ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, जहाँ भी आपको लिखा हुआ मिले उसके ऊपर क्लिक कर देंगे हाइड ऐप्स। हाइड ऐप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको हाइड ऐप्स वाला ऑप्शन शो करेगा, कहीं भी लिखा हुआ शो करेगा। तो आप क्या करेंगे, हाइड ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो चलो गाइस, यहाँ पर मैं हाइड ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड गाइस क्लिक करने के बाद में अपने यहाँ पर आपको अपना प्राइवेसी पासवर्ड वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो चलो गाइस, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो चलो गाइस, यहाँ पर मैंने डाल दिया। प्राइवेसी पासवर्ड नहीं बनाया हुआ है तो बना लेंगे। ओके, तो प्राइवेसी पासवर्ड डालने के बाद में गाइस यहाँ पर इस तरीके से आ जाए, यहाँ से आप छुपा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेटिंग्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्या मैं यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ ऊपर। जैसे ही मैं सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, सेट एक्सेस कोड। ओके, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल में चेंज एक्सेस कोड का ऑप्शन आ रहा है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सेस कोड के ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद में यहाँ पर आपको कोड बनाना है, जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में डायलर में डाल के छुपा हुआ ऐप है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं, हाइड ऐप्स है वो यहाँ पर देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कैसे कोड बनाएंगे वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको हैश डालना है, ये वाला हैश। इसके बाद में जो भी आप कोड बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं बना देता हूँ 8080, मैंने बाल बना दिया ये वाला कोड। बनाने के बाद में गाइस यहाँ पर मेरे को लास्ट में भी यहाँ पर हैश डालना पड़ेगा। ओके, तो चलो गाइस यहाँ पर मैं लास्ट में भी यहाँ पर हैश है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। आप भी यहाँ पर हैश डाल देंगे तभी यहाँ पर कोड है वो यहाँ पर बनने वाला है। ओके, फर्स्ट में और लास्ट में हैश डाल देना, इसके बाद में बन जाएगा। ये वाला मैंने कोड बनाया, मेरी तरह सेम भी रख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको राइट करना है ऊपर। जैसे राइट के ऊपर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपको डन करना है। डन करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको बैक आ जाना, आपका कोड बन चुका है। इसके बाद में जो भी ऐप्स हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, जो भी गेम्स वगैरह वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं BGMI सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद में ये वाला गेम्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे को गेम्स ही हाइड करना है तो मैं गेम्स ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से। ओके, आप भी यहाँ पर इस तरीके से गेम्स वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलो गाइस यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और चलो गाइस यहाँ पर मेरे मोबाइल मतलब मेरे मोबाइल में जितने भी गेम्स है वो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। और मेरे को साथ में यहाँ पर जो है व्हाट्सएप भी यहाँ पर मेरे को हाइड करना है, तो इसको भी यहाँ पर मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को सिर्फ गेम ही हाइड करनी थी तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, इसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बैक आ जाना, आपका काम हो चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डायल पैड है इसको आपको ओपन करना है। हाइड ऐप्स को निकालने के लिए आपको डायलर ओपन करना है एंड गाइस यहाँ पर आपने जो भी कोड बनाया था वो आपको डाल देना, जैसे कि मैंने बनाया था हैश। इसके बाद में मैंने यहाँ पर रखा था 8080
80। इसके बाद में लास्ट में मैं यहाँ पर जैसे ही मैं हैश डालूंगा, देखना मेरा मतलब हिडन ऐप से वो यहाँ पर आ जाएगा, हाइड की ऐप है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में गेम्स को छुपा सकते हैं, गेम है वो यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।